नहीं हो, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए 9 फिनिश उन्होंने निकाल थे, अराउंड 1 या 2 पॉइंट ही उनको प्लेसमेंट के यहाँ पर मिल पाए थे, तो इस बार भी वही चीज हमें देखने को मिलती है। एक ही हम लेके यहाँ पर अभी के लिए ब्लाइंड विलियम्स हमें नजर आ रहे हैं। एंड टीम प्लान की बात करें, पिछला गेम उतना अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन हाँ इस गेम में एक अच्छे परफॉर्मेंस की यहाँ पर उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विदाउट कैजुअलिटी 2 फिनिश ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके। लेकिन इस बीच यहाँ पर विलियम्स का मुझे नॉकआउट यहाँ पर देखने को मिलता। केविन आगे बढ़ जरूर रहे, लेकिन स्पाई ओपी वेट कर रहे हैं शायद ये ग्रेनेड से अपने खिलाड़ी को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचा दे। वो यहाँ पर बिल्कुल नुकसान तो चलिए यहाँ पे पहुंचा नहीं है और नॉक वहाँ पे निकल गया इन द जो कि यहाँ पे दूसरे पी टीम की तरफ से देखने को मिला। खन्नाइक जाते हैं स्मोक से, आर पर कनेक्शन ढूंढा जाता है, डीप लाइन इस मैच से बाहर कर दिया था। कैबेन ईस्पोर्ट्स अपने आप को संभालने में कामयाब हुए, देखिए फाइट है हर तरफ से, एक फाइट कंप्लीट होने के साथ दूसरे फाइट की तरफ हमारा नजर आता है, जहाँ पे एनिगमा वर्सेस आई थिंक आईएनडी की ये बैटल यहाँ पे छिड़ चुकी है, जहाँ पे एक नॉक निकाला जा चुका है। कव फायर के यहाँ पे प्लेयर्स बिल्कुल से मौजूद है, स्पेक ले जाएंगे रजीज को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करने के लिए। कव फायर ऊपर से आएगा तक के रूप में नॉकआउट निकाला गया, केवल 2 प्लेयर थे टीम आईएनडी की तरफ से। स्टार्टिंग के टाइम पे अपने 2 प्लेयर को गवाया गया था और इस पॉइंट पे भी वो अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैन एडवांटेज जरूर से थोड़ा सा मुश्किल में डाला। टीम आईएनडी भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दी जाएंगे, लेकिन कैमेन स्पोर्ट्स न्यू प्लेयर 06 के एलिमिनेट होने के बाद ये ट्राई की जोड़ी फिलहाल अपने आप को संभालने में कामयाब हो चुके हैं। टीम फॉरएवर के पास एक कमाल का शुरुआत था 4 फिनिशेस के बाद, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल। भाई काउंटर अटैक मिलेगा पीछे, सही टाइम सेट है, सर्कल में जाना पड़ेगा। ये पोजिशनिंग इनके लिए बेहतर हो सकती थी अगर सर्कल का एडवांटेज रहता तो, लेकिन अब सर्कल में जाना है इनको 67 के मीटर आसपास वो डिस्टेंस है। टीम एफएल यहां पे बात करें तो वंस अगेन हैचर M249 के साथ यहां पे वेलकम करना चाह रहे, ग्रेनेड उनके बिल्कुल सामने है और क्या ये ग्रेनेड खुद पे कर लिए, बिल्कुल सेल्फ ग्रेनेड हो गया यहां पे, डैमेज यहां पे अपने आप को किया एंड एक गलती टीम फॉरएवर को यहां पे मैच से एलिमिनेट होने का कारण बना। एफएल की जी टीम वहां पे मुश्किल में आते, वो कहने गए सामने ही अपने ही ऊपर वो ग्रेनेड का काफी ज्यादा डैमेज ले लेते हैं और मैच से एलिमिनेट होना पड़ा। केवल 5 टीमें बची हुई है सिचुएशन में, ओमेगा की तरफ शॉट्स आते चले जा रहे हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा एंड रिवर्स गियर लगाए, क्योंकि अगर ये राउंड करके जाते तो मुश्किल में आते, लेकिन रिलोड का जो टाइम था इमॉर्टल को मिला और ओमेगा को फाइनली यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके। टीम एक्सो के पास सर्कल एडवांटेज है, लेकिन केविन ईस्पोर्ट्स भी सर्कल के एज पे, लेकिन एक्सो के पास वो हाइट के कारण टीम केविन ईस्पोर्ट्स को यहाँ पे जरूर से थोड़ा सा मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफएल के हेक्टर M249 के साथ गए 4 फिनिशेज अपने खुद के रखे हुए, टोटल 7 फिनिशेज है टीम के पास, तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे खास करके एक्टर की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक चीज है राहुल, मतलब अगर आपने पिछले गेम की चैंपियन टीम को अगर आपने बीट कर दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए यहाँ पर। हेक्टर अब तो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर ले रहे हैं, 7 में से 4 फिनिश उनके यहाँ पर नजर आते हैं। अब यहाँ पर नजरें उनकी केविन ईस्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन क्या उनको यहाँ पर वो मात दे सकते हैं, काफी अच्छी हाइट एडवांटेज है, लेकिन एक्सो भी कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, तो सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन बैक साइड से जो टीम एनिग्मा आ रही है, शायद उनकी लोकेशन को स्पॉट कर चुकी है सैगी एंड अगर देखा जाए रैक्स अवी, और साथ साथ अगर उनके साथ अगर देखेंगे एगी, और तो सैकी एंड एगी की जोड़ी क्या यहाँ पर ह्यूमनॉइड को निकाल पाएगी। जी हाँ, एगी का ग्रेनेड वो काफी कारगर साबित होता है, यानी कहीं ना कहीं वो जो एक कम्युनिकेशन, वो जो सिनर्जी हमें खिलाड़ी की तरफ से देखने वाली है वो काफी शानदार। लेकिन हैक्चर को क्या रोक पाएंगे, नहीं प्रिसाइज एमिंग देखी उनकी, बिल्कुल एमिंग जो थी उनकी, लेकिन हैक्चर अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम ले रहे, लेकिन फाइनली अब उनको रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको डैमेज मिल चुका था, लेकिन काफी हद तक उन्होंने यहाँ पर देखा नुकसान पहुंचाया। अच्छी बात यह है कि अभी के लिए जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हुए थे वो सर्कल के अंदर ही है, अगर ये सिचुएशन होती, अगर ये सर्कल के बाहर नॉकआउट होते तो शायद 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर बच पाते, बट अच्छी किस्मत है अभी के लिए टीम एनिग्मा के लिए। एंड केविन की बात करें, बेशक 3 खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोअर रिच का डिसएडवांटेज, कहीं उनको दिक्कत ना, क्योंकि सर्कल का स्ट्रिंग केन उनको फेवर नहीं कर रहा यहाँ पर। रावण बिल्कुल सर्कल आपके साथ नहीं है तो आप अपने आप को मुश्किल में यहाँ पे जरूर से पाओगे। ना एक्सो की तरफ से केवल अब 2 ही प्लेयर है, दोनों खिलाड़ी बात की जाए तो इसमें यहाँ पे काफी लोग थे, फाइनली उनको टेक डाउन कर दिया गया अभी की तरफ से यहाँ पे एनिग्मा, ये सैगी एगी भाई कमाल का यहाँ पे ये कॉम्बो है दोनों, एंड उसके साथ ही यहाँ पे बात करें तो केविन स्पोर्ट्स को मुश्किल बनेगा। ओमेगा बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ेंगे, ये लॉक तो निकलेगा 100% एग्जैक्ट, यहाँ पे नॉक के साथ फिनिश भी करना चाहेंगे, पॉइंट्स तुरंत से यहाँ पे सिक्योर किया जा रहा है। आप टाइम नहीं दे रहे हो एनिमी को कि आपके फिनिश को अपने नाम कर सके, एग्जैक्टली वही माइंडसेट के साथ चले, क्योंकि आखिर का समय है मिड का बैटल है, तो आप फिनिश बिल्कुल से कर सकते हैं। क्लोज बैटल रहता है तो फिनिश के लिए प्लेयर्स यहाँ पे लास्ट के टाइम पे तो ना ही जाना पसंद करते, लेकिन जो आखिरी प्लेयर है नोवा की तरफ से वो बिल्कुल कॉर्नर साइड उस हाइट के एडवांटेज अपने आप को रोक के रखे हुए, उनके पीओवी यहाँ पे जरूर से हम देखेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप इनकी पीओवी की बात की जाए
बिल्कुल एक हाइट एडवांटेज है, 11 मीटर सर्कल की तरफ जाना पड़ेगा। 11 मीटर ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये अपने आप को सर्कल के बाहर पाने वाले सर्कल, यहाँ पे बात करें जो हाइट एडवांटेज है वो कहने के अपने साइड से ये खो देंगे। फ्लावर टोस्ट पे टेक डाउन किया गया अक्षित के ऊपर, ये बॉल ही काफी ऑन पॉइंट है अक्षित के, यहाँ पे पीछे हटने की बारी है, एग्जैक्टली पीछे हट गए। एक और यहाँ पे बात करें स्टन, एक और स्टन जो है सब कुछ यहाँ पे फेंक देना है, किसी को यहाँ पे वापस लेके नहीं जाना है, तो उसका इस्तेमाल यहीं पे कर रहे हैं। लेकिन अक्षित को सर्कल पे आना पड़ेगा और एनिग्मा बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, काफी अच्छे दावेदारी यहाँ पे सेकंडरी के लिए एनिग्मा रख चुके हैं, इनको रोकना इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पे टीम कैप्टन के अक्षित सर्कल में जाने से फिलहाल कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए इनकार कर देंगे। हेल्थ बैटल कर रहे हैं, 5 हेल्थ किट इनके पास यस फिलहाल है और वो सारे हेल्थ किट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही सर्कल में आने की कोशिश करेंगे। बट सैगी अपर साइड से बात की जाए तो मुश्किल में डाला गया है कि यहाँ पे डाले तब सैगी संभाल सकते थे लेकिन विलंब हो गया, दो नुकसान हो चुका है। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है इनिग्मा चिकन के लिए लेकिन अब इस पॉइंट से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इनिग्मा के लिए। एंड रावण की फर्स्ट एड किट देखिए यहाँ पर, उनके पास भी 7 फर्स्ट एड किट है, तो रिस्की मूव बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। लो टॉस ग्रेनेड यहाँ पर फेंका गया है सैगी को थोड़ा सा डैमेज प्रोवाइड करने के लिए, क्या डैमेज मिलेगा कि नहीं? जी नहीं, यहाँ पर डैमेज तो नहीं मिला, लेकिन बट अभी के लिए यहाँ पर सर्कल श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से उनको भी आगे जाना पड़ेगा। 2 मीटर एटलीस्ट आगे आप बढ़िए, आप ही बैटल करने के लिए रुक रहे हैं तो फिर दिक्कत में आप भी आ सकते, थोड़ा ट्राई करना चाहिए। लेकिन जी नहीं, लेट कर दिया और प्ले जोन का वहां पर शिकार।